एक ऐसा डॉल जो एक मरी हुई लड़की की आत्मा थी, और वो डॉल कई लोगों की जान ले चुकी है। इस डॉल पे ऑलरेडी एक मूवी भी बनाई है और उस मूवी का नाम है द कंजूरिंग, और ये 2013 में रिलीज किया था। और ये मूवी एक असल घटना पे आधारित है, और उस श्रापित डॉल का नाम है अनाबेला। इस जानलेवा डॉल के बारे में और जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। इस कहानी की शुरुआत होती है 1977 में। डोना नाम की एक लड़की को उसकी माँ एक डॉल गिफ्ट करती है। डोना को बचपन से डॉल के साथ खेलना पसंद था, इसलिए वो नर्स की पढ़ाई करते हुए भी डॉल को पसंद करती थी। डोना की एक फ्रेंड भी थी और उसकी नाम है एंजी। ये दोनों एक अपार्टमेंट में रहते थे, और डोना ने उस डॉल को अपार्टमेंट के एक रूम में एक बेड पे रखी थी। और कुछ दिनों के बाद वो दोनों ने नोटिस किया कि वो डॉल अपनी जगह बदल रही थी। जब वो दोनों कहीं बाहर जाते थे तब उस डॉल को एक सोफे पे या फिर बेड पे रख के जाते थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर आते थे तो उन्होंने नोटिस किया कि वो डॉल खुद ब खुद अपनी जगह बदल रही है। और डोना और एंजी ने इस चीज को इग्नोर कर दिया, लेकिन एक दिन डोना ने नोटिस किया कि डॉल के ऊपर खून लगी है, और ये देखकर डोना घबरा गई। इस घटना के बाद डोना और एंजी ने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को अपने घर बुलाया, और इन्वेस्टिगेटर ने बताया ये डॉल एक मरी हुई लड़की की आत्मा है और उसका नाम है एनाबेला हिगिन्स। और एनाबेला ने उस इन्वेस्टिगेटर को कहा कि उसकी मौत सिर्फ 7 साल की उम्र में हुई थी, और वो डॉल ने कहा कि वो डोना और एंजी के साथ रहना पसंद करती है, और डोना और एंजी ने इस बात को मान लिया। और डोना और एंजी का एक और दोस्त था जिसका नाम लोए था, और वो भी डोना और एंजी के साथ रहने लगा। एक बार लो ने उस अपार्टमेंट के कमरे में सो रहा था, लेकिन अचानक लो ने नोटिस किया कि एक बच्चे की हंसी की आवाज आ रही है, लेकिन इस बात को लो ने किसी को कहा नहीं। एक बार लो को एक रूम में अजीब अजीब साउंड सुनाई दे रही थी, और लो उस रूम में जाकर देखता है कि वहां कोई नहीं है सिर्फ डॉल के बिना। लेकिन अचानक लो को छाती पे दर्द होने लगता है, और वो देखता है कि छाती पे खून आ रही है। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों मिलकर एड और लॉर्डन को कॉन्टेक्ट करते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि अनाबेला एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है, वो एक शैतान है। और सब ने तय किया कि अनाबेला डॉल को एक अकॉर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा, और इस म्यूजियम में ये डॉल अभी भी रहती है। अनाबेला डॉल अब एक वुडन लॉकर में बंद है, और उस डॉल को देखने के लिए तो वॉरेंस अकॉर्ट म्यूजियम इन मॉनरॉय में जाना पड़ेगा, और ये डॉल रियल में ऐसा दिखता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।